द पोर्ट्रेट ऑफ अ लेडी। दिस इज़ ए लेसन रिटन बाय खुशवंत सिंह। खुशवंत सिंह ने ये लेसन अपनी ग्रैंड मदर ते लिखा है, जिद विच दिस लेडी मीनस हर ग्रैंड मदर। तो उस सारे विच अपना ते अपनी ग्रैंड मदर का लिंक सब कुछ डिस्क्राइब करूँगा, उन्होंने किमें का कनैक्शन से किमें घटिया किमें बढ़िया या जो भी होया वो सारा कुछ डिस्क्राइब करूँगा। वो नाल नाल ग्रैंड मदर के बारे सारा कुछ दसूगा। सो स्टार्ट कर दें। और ग्रैंड मदर काफ़ी ओल्ड ते रिंकल्ड ने, जिदे करके उन्हें उन्होंने कंपेयर किया बाय यूजिंग सिमली विच इज़ अ पोएटिक डिवाइस, जिदे उन्हें कंपेयर किया अपनी ग्रैंड मदर नू विंटर लैंडस्केप नाल, जो माउंटेन्स होंगे किमें मतलब माउंटेन्स के जो ठंड पैंदी सारा कुछ वाइट हो जाता तो पीसफुल होंदा, तो उन्हें कहा वाइट। तो उन्हें अपनी ग्रैंड मदर नू डिस्क्राइब किया क्योंकि उन्होंने ग्रैंड मदर नाल पीस ते सैटिस्फैक्शन मिलता, उही आपां सारयां नू माउंटेन्स च जाके मिलता, तो करके उन्हें कंपेयर किया अपनी ग्रैंड मदर नू विंटर लैंडस्केप एंड माउंटेन्स नाल। सिमिलर दा मतलब यह होंदा जे आपां कंपैरिजन करते हैं विद लाइक या एज, तो वह मतलब है पोएटिक डिवाइस का। उस तो बाद उन्हें थोड़ा जिहा दस्सिया अपने ग्रैंड फादर बारे, जिन्हां दे पोर्ट्रेट उन्हां दी फोटो लगी हुई सी मेंटल पीस के उपर, मीनस एक शेल्फ के उपर टंगी हुई सी। उस तो बाद तीन फेज डिस्क्राइब करता। सब तो पहला आप फस्ट फेज पढ़ांगे। फस्ट फेज जो दसता है कि वह अपनी ग्रैंड मदर के नाल रहिंदा हुंदा है जब उसके पेरेंट्स सिटी के रहिंदे ने ते अपने आप नूं सैटल करन दी ट्राई करते हैं। जदों अपनी ग्रैंड मदर नाल रहिंदा है, उसकी ग्रैंड मदर उन्हें सवेरे उठाते हैं फॉर स्कूल, तो उस तो बाद उसके कोल ना रोज़ एक प्रेयर गाते हैं। मोनोटोनस का मतलब होंदा जो सेम चीज़ आप सुनी जाइए बोरिंग हो जाती है, तो करके उसके लिए प्रेयर्स बोरिंग रीप्रजेंट कर रहा वो, तो उन्हें कोल रोज़ सेम प्रेयर्स गाते जब उन्होंने ड्रैसअप करते क्यों कर गाते उन्होंने सगा कि वह भी उन्होंने सुन के वह प्रेयरस सीख लवे, बट वो ये सुनता जरूर सी पर कभी सीखता नहीं सी। उस तो बाद उसकी ग्रैंड मदर वो वुडन स्लेट लैके आते जिन्हों वह पहला ही प्रिपेयर करके रखते। प्रिपेयर करना किमें, उन्हें वॉश तो प्लास्टर करते भी अगले दिन वो यूज़ कर सके। वॉश करन तो बाद उत्ते वाइट चौक ला के उन्होंने पूरा प्लास्टर कर देना ता कि उन्होंने अगले दिन कोई यूज़ करे तो लिख सके। उस तो बाद एक टाइनी अर्दन इंक पॉट लेंदे सी जिहदे विच इंक हुंदी सी ते एक रैड पेन, इह सारयां नूं कट्ठे टाई करके उन्हूं दे दिंदे सी। उस तो बाद उन्हूं ब्रेकफास्ट दे विच थिक ते स्टेल चपाती दिंदे सी, स्टेल मतलब बेही चपाती दिंदे सी उन्हूं उहदे ते मक्खन ते चीनी लगा के। उस तो बाद जिन्नियां होर चपातीज़ हुंदियां सीगियां उह लै लैंदे सीगे ते उह स्ट्री डॉग्स नूं पाउंदे हुंदे सी। उहदे तो बाद वो दोनों इकट्ठे स्कूल जाते क्यों, क्योंकि स्कूल अटैच सीगा टैंपल च। जो स्कूल दे विच उन्हें प्रीस्ट पढ़ाते अल्फाबैट ते प्रेयर्स बारे, उदों दी ग्रैंड मदर की करती सी टैंपल च जाके स्क्रिप्चर रीड करते सीगे। कोई भी स्क्रिप्चर हो गया या कोई भी धार्मिक चीज़ वो रीड करते सीगे। चिल्ड्रनस उहदे विच स्कूल दे विच इकट्ठे रोज़ बैठते सीगे ते इकट्ठे प्रेयर्स नूं सिंग करते सीगे। जो दोनों का काम हो जाता सीगा वो वापस घर जाने के टाइम जिहड़ियां चपाती लैके आते हैं वो स्ट्री डॉग्स नूं पा देंदे ने उन्होंने पिछे पिछे। इस टाइम तो टैंपल या स्कूल तो स्ट्री डॉग्स उन्होंने घर तक आते सीगे, चपाती पिछे कोई लड़ते सी या कुछ भी करते सीगे। यही हुंदा सी फेज टू विच कि उन्हें टर्निंग पॉइंट आ जाता है। टर्निंग पॉइंट किमें आता है, पहला वो दोनों इकट्ठे रहते जबकि उन्होंने पेरेंट्स सिटी रहते क्योंकि वह सैटल हो जाए, उन्होंने पेरेंट्स सैटल हो जाते हैं फिर वो दोनों ही अपने को सिटी बुला लेंगे। हूँ जो सिटी बुलाते हैं ये जरूर है कि उन्होंने रूम सेम होंगे पर वो स्कूल इकट्ठे नहीं जाते क्योंकि हूँ जो स्कूल जाता इंग्लिश स्कूल है तो उत्थे जाके इंग्लिश कंसैप्ट सीखता है। तो हूँ कोई रस्ते स्ट्रीट डॉग्स नहीं होंगे है कि जिन्होंने वो फीड करते हैं, बट वो जो ग्रैंड मदर ने वो फीड कर लग जाते हैं स्पैरोज़ को। हूँ ग्रैंड मदर ने उन्हें हजे भी उठाते हैं सवेरे तो उन्होंने रेडी करते हैं स्कूल ले, बट जो घर वापस आता अगे उन्होंने हेल्प कर सकते स्टडीज़ के हूँ उन्होंने नहीं कर सकते क्योंकि जो कंसैप्ट कहते ग्रैंड मदर ने नहीं पढ़े होंगे, जिदे करके ग्रैंड मदर कई पॉइंट्स से डिस्टर्ब भी हो जाते हैं। क्यों, क्योंकि कोई भी टीचिंग नहीं हैगी गॉड के स्क्रिप्चर्स लिए। इवन उसके स्कूल च म्यूजिक पढ़ाते हैं जो उसकी ग्रैंड मदर नू बहुत डिसरिस्पेक्टफुल लगता है। क्यों, क्योंकि उन्होंने लगता है कि जिहड़ी म्यूजिक है ना वो सिर्फ मोनोपोली है बैगर्स लिए, वो जेंटल लोगों लिए नहीं हैगी,
ਅਤੇ ਉਹ ਵਧੀਆ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਕੰਸਿਡਰ ਕਰਦੇ। ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਉਹਦੇ ਸਕੂਲ 'ਚ ਪੜ੍ਹਾਉਂਦੇ ਨੇ ਮਿਊਜ਼ਿਕ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਉਹਨੂੰ ਉਹ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਬੁਲਾਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਐਜ਼ ਕਲੋਜ਼ ਟੂ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਬੁਲਾਉਣਾ ਬੰਦ ਹੀ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਪਾਰਟ 3 ਆਊਗਾ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਫਰੈਂਡਸ਼ਿਪ ਲਿੰਕ ਜਿਹੜਾ ਉਰੇ ਤੱਕ ਸੈਕਿੰਡ ਫੇਜ਼ ਤੱਕ ਘਟਿਆ ਸੀਗਾ ਉਰੇ ਆ ਕੇ ਖਤਮ ਹੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਕਿਵੇਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਜਦੋਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਜਾਂਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਰੂਮਸ ਡਿਫਰੈਂਟ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਉਹਨੂੰ ਇਕੱਲਾ ਰੂਮ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ। ਹੁਣ ਉਹਦੇ ਗ੍ਰੈਂਡ ਮਦਰ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਇਕੱਲੇ ਸਪੈਂਡ ਕਰਦੇ ਨੇ ਸਪਿਨਿੰਗ ਵੀਲ 'ਤੇ। ਉਹ ਸਵੇਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸ਼ਾਮ ਤੱਕ ਆਪਣੇ ਸਪਿਨਿੰਗ ਵੀਲ ਦੇ ਨਾਲ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਅਤੇ ਪ੍ਰੇਅਰਸ ਗਾਉਂਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕੋ ਫ੍ਰੀ ਟਾਈਮ ਹੁੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਆਫਟਰਨੂਨ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਉਹਦੇ 'ਚ ਕੀ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਸਪੈਰੋਜ਼ ਨੂੰ ਫੀਡ ਕਰਦੇ ਨੇ ਵਰਾਂਡੇ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਮਤਲਬ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਪੈਰੋਜ਼ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਉਹਦੇ ਘਰ ਕੋਲ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਵਰਾਂਡੇ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬ੍ਰੈਡ ਦੇ ਕ੍ਰੰਬਸ ਤੋੜ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਬਹੁਤ ਟਾਈਮ ਉਹਨਾਂ ਸਪੈਂਡ ਵੀ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਕਈ ਸਪੈਰੋ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਿਰ 'ਤੇ ਬੈਠ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸ਼ੋਲਡਰਸ 'ਤੇ, ਉਹ ਕਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਐਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਚਲੇ ਜਾਓ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਹੁਣ ਤੱਕ ਉਹ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਕੈਸੀ ਇਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਬਾਹਰ ਚਲਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਹੀ ਵੋਜ ਗੋਇੰਗ ਅਬਰੋਡ ਫੋਰ ਸਟੱਡੀਜ਼ 5 ਈਅਰਸ ਦੇ ਲਈ, ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਹੋਰ ਡਿਸਟੈਂਸ ਕ੍ਰੀਏਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਉਹਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਉਹਦੇ ਗ੍ਰੈਂਡ ਮਦਰ ਰਿਐਕਟ ਕਰਨਗੇ, ਪਰ ਉਹ ਕੋਈ ਵੀ ਇਮੋਸ਼ਨ ਸ਼ੋਅ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ, ਨਾ ਖੁਸ਼ੀ ਨਾ ਗਮ। ਉਹਨੂੰ ਨਾ ਰੇਲਵੇ ਸਟੇਸ਼ਨ 'ਤੇ ਛੱਡਣ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਬਟ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਬੋਲਦੇ, ਆਪਣੀ ਪ੍ਰੇਅਰਸ ਗਾਉਂਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਉਹਨੂੰ ਕਿਸ ਕਰਦੇ ਨੇ ਫੋਰਹੈਡ 'ਤੇ। ਉਹਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸ਼ਾਇਦ ਇਹ ਲਾਸਟ ਸਾਈਨ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਕੰਟੈਕਟ ਦਾ। ਕਿਉਂ ਲੱਗਦਾ? ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਅਨਸ਼ੋਰ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਵਾਪਸ ਆਊਗਾ ਕੀ ਪਤਾ ਹੋਣਗੇ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ, ਉਹਨੂੰ ਕਦੀ ਮਿਲ ਪਾਊਗਾ ਦੁਬਾਰਾ ਕਿ ਨਹੀਂ। ਬਟ ਜਦੋਂ 5 ਈਅਰਸ ਬਾਅਦ ਵਾਪਸ ਆਉਂਦਾ, ਉਹੀ ਰੇਲਵੇ ਸਟੇਸ਼ਨ 'ਤੇ ਉਹਦੇ ਗ੍ਰੈਂਡ ਮਦਰ ਉਹਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਮਿਲਦੇ ਨੇ। ਹਜੇ ਵੀ ਸੇਮ ਚੀਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਕੋਈ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਵਰਡਸ ਲਈ, ਉਹ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰੇਅਰਸ ਗਾਉਂਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਉਹਨੂੰ ਕਲੈਪਸ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਦਿਸ ਮੀਨਸ ਉਹਨੂੰ ਉਹ ਗਲੇ ਮਿਲਦੇ ਨੇ ਬਹੁਤ ਟਾਈਟਲੀ। ਸਟਿਲ ਹਰ ਹੈਪੀ ਟਾਈਮ ਇਜ਼ ਵਿਦ ਸਪੈਰੋਜ਼। ਉਹ ਦੇਖਦਾ ਕਿ ਹੁਣ ਤੱਕ ਉਹਦੇ ਗ੍ਰੈਂਡ ਮਦਰ ਦਾ ਹੈਪੀ ਟਾਈਮ ਸਪੈਰੋਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਜਦੋਂ ਆਉਂਦਾ ਈਵਨਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਦੇ ਗ੍ਰੈਂਡ ਮਦਰ ਪਹਿਲਾ ਦਿਨ ਹੁੰਦਾ ਜਦੋਂ ਉਹ ਆਪਣੇ ਗ੍ਰੈਂਡ ਮਦਰ ਨੂੰ ਦੇਖਦਾ ਕਿ ਉਹ ਪ੍ਰੇ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਉਹ ਕੀ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਵੂਮੈਨਸ ਨੂੰ ਕਲੈਕਟ ਕਰਦੇ ਨੇ ਨੇਬਰਹੁੱਡ ਤੋਂ, ਇੱਕ ਡਰਮ ਲੈ ਕੇ ਬਹੁਤ ਚਿਰ ਲਈ ਗਾਣੇ ਗਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਕਿਉਂ ਕਰਦੇ ਨੇ? ਉਹ ਐਜ਼ ਅ ਸੈਲੀਬ੍ਰੇਟ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਉਹਦਾ ਗ੍ਰੈਂਡ ਸਨ ਵਾਪਸ ਆਇਆ 5 ਸਾਲ ਬਾਅਦ। ਉਹ ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਉਹ ਰੋਕਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਮਤਲਬ ਆਪਣੇ ਗ੍ਰੈਂਡ ਮਦਰ ਨੂੰ, ਪਰ ਉਹ ਰੁਕਦੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਇਹ ਬਹੁਤਾ ਥੱਕ ਨਾ ਜਾਣ ਅਤੇ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਇਹ ਉਹ ਹਟਦੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ, ਨੈਕਸਟ ਦਿਨ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਇਲ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਡਾਕਟਰ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਸਲਾਈਟ ਫੀਵਰ ਹੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਚਲੇ ਜਾਣਾ, ਪਰ ਉਹਦੇ ਗ੍ਰੈਂਡ ਮਦਰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਮੇਰਾ ਆਖਰੀ ਦਿਨ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਬਾਕੀ ਟਾਈਮ ਵੇਸਟ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ, ਮੈਂ ਪ੍ਰੇ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ। ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਭੇਜ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਅਤੇ ਪ੍ਰੇ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਥੋੜ੍ਹੇ ਟਾਈਮ ਬਾਅਦ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਸ਼ੀ ਇਜ਼ ਨੋ ਮੋਰ। ਉਸ ਦਿਨ ਵੀ ਸਪੈਰੋਜ਼ ਵਾਪਸ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਪਰ ਉਹ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਖਾਂਦੀਆਂ, ਚੁੱਪ ਚਾਪ ਉੱਤੇ ਬੈਠੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਉਹਦੇ ਗ੍ਰੈਂਡ ਮਦਰ ਨੂੰ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਵਰਾਂਡੇ ਵਿੱਚੋਂ, ਉਹ ਉਵੇਂ ਉੱਡ ਕੇ ਚਲੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ।